नमस्कार, बजट से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रारंभ में ही मैं यह बात आपको बताना चाहूँगा कि बजट से संबंधित एक से ज़्यादा वीडियो को लेकर मैं आऊँगा। अब यहाँ पर यह सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर बजट है क्या। तो सरल शब्दों में बजट का अर्थ होता है आय एवं व्यय का लेखा जोखा, आय एवं व्यय का लेखा जोखा। आय एवं व्यय का लेखा जोखा एक व्यक्ति का भी हो सकता है, एक परिवार का भी हो सकता है, और एक देश और एक संगठन का भी हो सकता है। जब आय और व्यय से संबंधित लेखा जोखा एक राष्ट्र का होता है तो फिर उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं या उसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। उसे हम कहते हैं राजकोषीय नीति। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा संसद में जो बजट प्रस्तुत किया गया वह केंद्र सरकार की राजकोषीय नीति है। और केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया उसे संविधान के द्वारा शक्ति मिली हुई है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्र सरकार संसद में बजट प्रस्तुत कर सकती है। वहीं राज्य की सरकारों को यह शक्ति मिली हुई है अनुच्छेद 202 से। यह अलग बात है कि संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि वार्षिक वित्तीय विवरण इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम नजर डालते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 पर। केंद्रीय बजट 2021-22 इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि यह इस दशक का पहला बजट है। और दूसरा इस मामले में उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2021-20 एक डिजिटल बजट है, या यूं कहें कि पहला डिजिटल बजट है। केंद्रीय बजट 2021-22 यह मुख्य रूप से आधारित है आत्मनिर्भर भारत के विजन पर, जिसका अर्थ है कि 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता और कौशल पर पूर्ण भरोसा। बजट 2021-22 में जो प्रस्ताव पेश किए गए हैं उस प्रस्ताव को पेश करने का जो मुख्य उद्देश्य है वह उद्देश्य है कुछ बातों से संबंधित संकल्प को और मजबूत बनाना। आखिर वो कौन कौन से या मुख्य बातें हैं, देखिए कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। जैसे राष्ट्र पहले, किसानों की आय को दुगनी करना, मजबूत अवसंरचना का निर्माण करना, स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना, सुशासन की स्थापना करना, युवाओं के लिए बेहतर अवसर का निर्माण करना, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था को व्यावहारिक रूप में लाना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, समावेशी विकास की अवधारणा को व्यावहारिक स्तर पर क्रियान्वित करना, इसके साथ ही अन्य बातें भी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जब 2021-22 बजट को प्रस्तुत किया जा रहा था तब उन्होंने 2015-16 के बजट में उल्लिखित उन 13 वादों का भी जिक्र किया। 2015-16 के बजट को प्रस्तुत करते समय उस समय के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा 13 वादे किए गए थे और इन 13 वादों को पूरा करना है 2022 में, जब देश 75वीं वर्षगांठ को मना रहा होगा, मतलब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ। और यह जो वर्षगांठ मनाया जाएगा वह अमृत महोत्सव के दौरान मनाया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर बात यह कहनी है कि 75वें वर्ष यानी देश की आजादी के 75वें वर्ष यानी 2022 के अमृत महोत्सव में
2015-16 जो बजट है उसमें जो 13 वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करना। देखते हैं कि ये 13 वादे क्या है। इन 13 वादों में से पहला वादा है प्रत्येक परिवार के लिए घर। दूसरा कि हर घर को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति, इसको सुनिश्चित करना। स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना, शौचालय की सुविधा उनको देना, मतलब ये जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन मूलभूत सुविधाओं को उन घरों को प्रदान करना। फिर आगे कि प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को रोजगार प्रदान करना या आर्थिक अवसर तक उनकी पहुंच हो, इसे निश्चित करना। और इन सब का परिणाम क्या होगा, मतलब ये क्या रहा, अगर हर एक घर से लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी तो इसका परिणाम होगा कि गरीबी में पर्याप्त कमी आएगी। तो जो चौथा वादा है वह क्या है, गरीबी में पर्याप्त कमी को लाना। फिर आगे देश के सभी गांवों का विद्युतीकरण करना। और इस ग्रामीण विद्युतीकरण में एक और जिस पर जोर देना है वह क्या है, वह है सौर ऊर्जा पर। तो सौर ऊर्जा पर भी जोर देना। फिर सड़क मार्ग से बस्तियों में से प्रत्येक को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। मतलब ये कि 12 के 12 महीने आवागमन की सुविधा बनी रहे। फिर आगे कि प्रत्येक गांव और शहर में चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध कराना है। तो कितने वादे हमने कर लिए, भी 7 वादे यहां पर हो चुके हैं। अब हम 8वीं जो वादा है उसकी बात कर रहे हैं, शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, इसे निश्चित करना। और केवल यह नहीं कि शिक्षा तक सबकी पहुंच हो, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता, इसे भी सुनिश्चित करना। और जो शिक्षा दी जा रही है उसके परिणामों पर भी नजर रखना। 9वें वादे की बात कर रहे हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो कल्याण है उस कल्याण में और ज्यादा वृद्धि करना। और वह वृद्धि कैसे संभव है, वह वृद्धि है कृषि एवं उससे संबंधित जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं उस पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में जो आय हैं वह ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जो आय हैं उसमें वृद्धि हो। फिर आगे देखें कि संचार के दृष्टि से गांव और शहरों के बीच में जो दूरी है उस दूरी को समाप्त करना, जो भेद है उसे समाप्त करना। आगे कि भारत को विनिर्माण का केंद्र बनाना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना देश को। फिर भारत में उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करना। उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित करने का मतलब यहां पर यह है कि जनसांख्यिकी लाभांश की स्थिति में यह आवश्यक है कि यहां के युवाओं के सामने ज्यादा से ज्यादा आर्थिक अवसर मौजूद हो। ज्यादा से ज्यादा आर्थिक अवसर तभी मौजूद हो सकते हैं जब देश में उद्यमशीलता की भावना होगी, क्योंकि उद्यमशीलता की भावना के आधार पर ही देश में उद्योग धंधों की स्थापना होगी और फिर उसका विस्तार होगा। और फिर जो अंतिम वादा है वह क्या है कि देश के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र को विकास के मामले में देश के शेष भागों के समतुल्य करना है। तो हमने 2015-16 के उन 13 वादों पर एक नजर डाल दी है। अब हम बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय की ओर, मतलब बजट 2021-22। बजट 2021-22 की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से 6 स्तंभों पर आधारित है। और यह 6 स्तंभ कौन कौन से, जरा इस पे देखिए। पहला, स्वास्थ्य एवं खुशहाली। दूसरा, भौतिक एवं वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना। यहां फिर से ऊर्जावान बनाने का मतलब यह है कि COVID-19 महामारी के प्रभाव के कारण जनसंख्या का जो अधिसंख्य भाग है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि जनसांख्यिकी लाभांश की इस स्थिति में यह आवश्यक है कि युवाओं को ना केवल इस महामारी से बचाना बल्कि इस महामारी के प्रति उनमें रक्षा प्रणाली का भी विकास करना और फिर उन्हें एक बेहतर पूंजी के रूप में बनाए रखना। और आगे नवाचार और अनुसंधान एवं विकास, दोनों चीजें, इनोवेशन भी है और रिसर्च एंड
डेवलपमेंट भी है। तो बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इनोवेशन नहीं संभव है। आगे देखिएगा, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासक। तो अब यहां पर हम जो चर्चा है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, किसे? स्वास्थ्य एवं खुशहाली से। स्वास्थ्य एवं खुशहाली, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल स्वास्थ्य एवं खुशहाली पर। और जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बजट से संबंधित जो हमारा वीडियो होगा वह एक से ज्यादा होगा। चलिए, स्वास्थ्य एवं खुशहाली। स्वास्थ्य एवं खुशहाली में अगर हम बात करें तो जो बजटीय आवंटन है, अगर हम उसकी तुलना करें जो वित्त वर्ष अभी है वह और जो आने वाला वित्तीय वर्ष है, तो हम यह देख रहे हैं कि 2020-21 की तुलना में, मतलब जो चालू वित्तीय वर्ष है की तुलना में, आगामी वित्तीय वर्ष जो 2021-22 है उसमें बजटीय आवंटन ज्यादा किया गया है। और यह बजटीय आवंटन कितना ज्यादा है? यह 137% ज्यादा है। मतलब बजटीय आवंटन में चालू वित्तीय वर्ष की तुलना में जो अगला वित्तीय वर्ष है उसमें 137% की वृद्धि की गई है। फिर आगे देखिए कि स्वास्थ्य के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण का विकास हो, तो समग्र दृष्टिकोण के विकास के लिए 3 क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वो 3 क्षेत्र कौन कौन से, उसे उस पर गौर कीजिए। पहला निवारक है, मतलब रोग निवारक, मतलब प्रिवेंटिव, प्रिवेंशन, कि रोग नहीं होने देना। फिर उपचारात्मक, इसका अर्थ यहां पर क्या हो गया कि अगर रोग है तो फिर उसका एक प्रॉपर इलाज हो, सही रूप में इलाज हो, उसको निश्चित करना। और फिर सुधारात्मक, सुधारात्मक का यहां मतलब है कि स्वास्थ्य से संबंधित जो अवसंरचनाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उसमें सुधार करना। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एक नई योजना की घोषणा की गई है। वह नई योजना कौन सी है? पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। मतलब बजट 2021-22 में एक नई योजना की घोषणा है। वह घोषणा है पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यहां पर इसलिए इन सारी चीजों पर जोर दी जा रही है ताकि परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमसे ये बात पूछी जा सकती है कि पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है या योजना के अनुरूप है जिसमें कि राज्य का भी सहयोग होता है। तो यह जो नई योजना है, इस नई योजना के अंतर्गत अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपए के व्यय की व्यवस्था की गई है। व्यय का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत देखिए क्या क्या और मुख्य बातें हैं। इसमें जो स्वास्थ्य प्रणाली है, स्वास्थ्य प्रणाली के 3 स्तरों का विकास किया जाएगा, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। मतलब सामान्य रोग की निगरानी से लेकर विशिष्ट रोगों की निगरानी और उसके इलाज तक जो भी सुविधाएं और अवसंरचना होती है उसका यहां पर विकास किया जाएगा। फिर स्वास्थ्य से संबंधित जो मौजूदा राष्ट्रीय संस्थान है उनको मजबूत किया जाएगा, साथ ही नए संस्थानों का निर्माण भी किया जाएगा। तो जो राष्ट्रीय संस्थान हैं उनको मजबूत करना और नए संस्थानों का सृजन करना, तो इससे होगा ये कि नई और उभरती बीमारियों की पहचान करने में आसानी होगी, साथ ही साथ उसके इलाज करने में भी आसानी होगी। और यह जो नई योजना चलाई जा रही है, यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। मतलब जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है वह चलता रहेगा और यह जो नई योजना लाई गई है वह योजना भी चलती रहेगी। नई योजना जो है उसमें देखिए, फिर मैं दोहरा रहा हूं, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, यह भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगा। अब इस योजना के तहत किए जाने वाले जो मुख्य उपाय हैं, जरा वो देखिए क्या क्या उपाय हैं। दोनों स्तरों पर, मतलब ग्रामीण और शहरी, इन दोनों स्तरों पर स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए आवश्यक सहायता दी जाएगी इस योजना के अंतर्गत। उसके अलावा देखिए क्या है कि एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का निर्माण किया जाएगा, उसकी स्थापना की जाएगी। कहां पर? 11 राज्यों के सभी जिलों में
और 3382 प्रखंड में। फिर देखिए कि 602 जिलों और 12 केंद्रीय संस्थानों में गंभीर बीमारी की देखभाल से जुड़े अस्पताल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे। इस वीडियो में जो हमारा मुख्य फोकस है वह यह है कि बजट से संबंधित जो जानकारियां हैं वो जानकारियां हम आपको दें। रही बात विश्लेषण करने की, तो पहले हम एक बार जानकारी को एकत्र कर लेते हैं। जानकारी को एकत्र कर लेने के बाद, क्योंकि तब तक आपको ये पता चल जाएगा कि बजट में मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं, उसके बाद अगर हम उन प्रमुख बातों पर, उन प्रमुख घोषणाओं पर जब हम विश्लेषण करेंगे तो फिर विश्लेषण को समझने में हमें दिक्कत नहीं होगी। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र जो कि दिल्ली में है, उसके अलावा इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरों में स्थित स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को भी मजबूत किया जाएगा। फिर आगे देखें कि सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को, जितने भी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं, मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं हैं उनको आपस में जोड़ने के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। फिर देखिए कि देश में प्रवेश करने के जो विभिन्न मार्ग हैं, जैसे 32 हवाई अड्डों, 11 समुद्री बंदरगाहों और 7 लैंड क्रॉसिंग, तो देश में प्रवेश करने के ये जो विभिन्न मार्ग हैं, इन मार्गों पर क्या किया जाएगा, इसमें 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को चालू किया जाएगा, मतलब उसकी स्थापना की जाएगी, और 33 मौजूदा, मतलब जो अभी मौजूद है, कि सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों को मजबूत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर बात है कि महामारी के इस स्थिति में, अगर वैश्विक महामारी है और भारत से बाहर अगर उसका उत्पत्ति स्थल है, तो फिर यह आवश्यक है कि आज के समय में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आवागमन अत्यंत सुविधाजनक है, तो महामारी की उस स्थिति में महामारी के प्रसार को देश के भीतर रोकने के लिए आवश्यक है कि बाहर से अगर कोई व्यक्ति या कई व्यक्ति अगर हमारे देश में आ रहे हो, तो प्रवेश बिंदु स्थल पर उनकी प्रॉपर चेकिंग हो, ताकि देश के भीतर महामारी का प्रसार ना हो। इसी को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। आगे कि 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्रों और 2 मोबाइल अस्पतालों की स्थापना की जाएगी, साथ ही वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान। देखिए ये वन हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट है, अभी तक तो अभी इसे स्पष्ट होना है। अगर हम वन हेल्थ की बात करें तो इसका उद्देश्य यहां पर यह है कि देश में एक समान स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए वन हेल्थ जैसी कोई संरचना, उसका निर्माण करना या उसकी देखरेख करने के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। आगे कि भारत में WHO के दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, इसकी भी स्थापना की जाएगी। जैव सुरक्षा स्तर 3 की 9 प्रयोगशालाओं, अब जैव सुरक्षा स्तर 3 का मतलब यहां पर यह है कि इस तरह के प्रयोगशालाओं में उन एजेंटों का अध्ययन किया जाता है जिनसे बड़े पैमाने पर मौत हो सकती है या महामारी का रूप वो ले सकता है, तो यह है जैव सुरक्षा स्तर 3 की 9 प्रयोगशाला। और फिर विषाणु विज्ञान के लिए 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की जाएगी। तो स्वास्थ्य संबंधी जो अलग अलग संरचनाएं हैं उसकी स्थापना की बात की गई है इस नई योजना में, जिसकी घोषणा की गई है बजट 2021-22 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं स्वास्थ्य एवं खुशहाली के अंतर्गत टीके से संबंधित की गई घोषणा पर। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान में COVID-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और यह बात कही गई है कि भारत में तैयार न्यूमोकोकल वैक्सीन, जो वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक ही सीमित है, इसे पूरे देश में उपलब्ध करवाया जाएगा। और अगर न्यूमोकोकल वैक्सीन की हम बात करें तो यह वैक्सीन निमोनिया, सेप्टिसीमिया,
और मेनिनजाइटिस जैसे घातक संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी होता है। टीके के अंतर्गत सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है उसका उद्देश्य है कि हर वर्ष 50,000 बच्चों को मौत के मुंह में जाने से बचाना। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, पोषण। पोषण के अंतर्गत देखिए क्या घोषणा की गई है। मिशन पोषण 2.0 के प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। आखिर इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है पोषणगत मात्रा में बढ़ोतरी करना। मतलब ये कि जो पोषण युक्त अनाज हैं उन अनाजों की मात्रा में बढ़ोतरी करना, जो लाभार्थी है उनके समक्ष पहले की तुलना में ज्यादा अनाज उन्हें उपलब्ध हो। दूसरा, पोषण युक्त अनाज जो है उसकी डिलीवरी को भी निश्चित करना, क्योंकि जिन जो लाभार्थी हैं इन अनाजों की पहुंच उन तक हो। फिर आउटरीच। आउटरीच का अर्थ यहां पर यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, या यूं कहें कि जो सही लाभार्थी हैं जिन्हें अभी पोषण युक्त अनाज नहीं मिल रहा है उन तक इन अनाजों की पहुंच को बनाना, और फिर आगे परिणाम को सुदृढ़ करना। परिणाम को सुदृढ़ करने का अर्थ यहां पर यह है कि अगर पोषण युक्त अनाज लाभार्थी तक पहुंच रहा है तो फिर उसका परिणाम क्या है। परिणाम का मतलब कि उनमें पोषण स्तर, उन लाभार्थियों में पोषण स्तर में वृद्धि हो रही है नहीं हो रही है, या देश की जनसंख्या के उस भाग में जो कुपोषण का शिकार है उसके पोषण स्तर में वृद्धि हो रही है या नहीं हो रही है, यह है परिणाम। और आगे देखिए कि दो कार्यक्रम, संपूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इन दोनों का क्या किया जाएगा, भविष्य में इन्हें इनका विलय कर दिया जाएगा। और फिर 112 आकांक्षी जिलों में पोषणगत परिणामों में सुधार लाने के लिए, हम देखेंगे कि आकांक्षी जिले क्या हैं। तो 112 आकांक्षी जिलों में जो पोषणगत परिणाम है इसमें सुधार लाने के लिए, मतलब कि जिस उद्देश्य के लिए पोषण से संबंधित कार्यक्रम बनाए गए हैं क्या उस उद्देश्य को यह कार्यक्रम प्राप्त कर पा रहा है या नहीं, तो उसके परिणामों में सुधार लाने के लिए एक सुदृढ़ीकृत कार्यनीति को अपनाने की बात बजट में की गई है। जरा एक नजर डालते हैं आकांक्षी जिले पर। तो वर्ष 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। फिर आगे देखें, इसके अंतर्गत देश के 28 राज्यों से कितने जिले, 115 जिलों की पहचान की गई है। फिर यह कार्यक्रम 5 विषयों पर केंद्रित है, मतलब आकांक्षी जिला कार्यक्रम 5 विषयों पर केंद्रित है। पहला, स्वास्थ्य एवं पोषण। दूसरा, शिक्षा। तीसरा, कृषि एवं जल संसाधन। चौथा, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास। पांचवा और अंतिम, बुनियादी आधारभूत ढांचा। और यह कार्यक्रम 3 सिद्धांतों पर आधारित है। ये 3 सिद्धांत कौन कौन से, जरा ये देखिए। पहला, अभिसरण। अभिसरण, अब ये कन्वर्जेंस या अभिसरण का अर्थ यहां पर यह है कि केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण। ऐसे सोचिए आप कि पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए एक तरफ केंद्र सरकार की भी योजना है, दूसरी तरफ राज्य सरकार की भी योजना है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही ये जो दोहरी योजना है इनको समाप्त करके एक योजना चलाई जाए जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान हो और राज्य सरकार का भी योगदान। आगे, सहयोग। सहयोग किनके बीच, तो जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि नागरिकों की भी उसमें भागीदारी बढ़े। नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने और सरकारी प्रशासकों के बीच, या सरकारी प्रशासकों और नागरिकों, इन दोनों के बीच एक बेहतर संवाद को स्थापित करने पर यहां जोर दिया गया जो यह सहयोग लिखा हुआ है। और तीसरा, जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। जिलों के मध्य प्रतिस्पर्धा का मतलब यहां पर यह है कि विभिन्न राज्यों के अंतर्गत जो जिले हैं हर एक जिले में एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं,
तो अगर हर एक जिले के विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलाप को प्रोत्साहन दिया जाए, अगर जिले के भीतर जीडीपी या वृद्धि दर पर ध्यान केंद्रित किया जाए, आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो फिर उसका फायदा यह होगा कि हर जिले के मध्य एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होगी। इससे समग्र रूप में राज्य की वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी, फिर राज्य और राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा की भावना होगी। और इसका लाभ यहां पर यह होगा कि संपूर्ण रूप में या सर्वांगीण रूप में पूरे देश की वृद्धि दर में और ज्यादा वृद्धि होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ यहां पर यह होगा कि मानव पूंजी का निर्माण होगा और अनावश्यक मानव या मनुष्य का या लोगों का पलायन नहीं होगा एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक जिले से दूसरे जिले में। तो इन्हीं तीन सिद्धांतों पर केंद्रित है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। चलिए फिर हम आते हैं बजट पर। बजट में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के अंतर्गत जो एक और घोषणा हुआ है, जल जीवन मिशन शहरी, मतलब इसे प्रारंभ किया जाएगा। क्यों? तो शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन शहरी, इसकी घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को रोकने के लिए केंद्र सरकार काफी गंभीर है और विभिन्न राज्य सरकारों के साथ सहयोग स्थापित भी कर रही है। वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण भी खरीदे जाएंगे और नए प्रकार के वाहनों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो नए उपकरणों को खरीदने और नए प्रकार के वाहनों को प्रोत्साहन देने पर उस पर व्यय भी होगा, उस पर खर्च भी होगा। इसीलिए वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2217 करोड़ रुपए की राशि को उपलब्ध कराने की घोषणा बजट में की गई है। फिर आगे आते हैं स्क्रैपिंग नीति पर। स्क्रैपिंग नीति संबंधित है वाहन से, जिसके अंतर्गत यह बात है कि पुराने पड़ चुके वाहन या वैसे वाहन जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, उन वाहनों को प्रचलन से हटाना, मतलब लोग उसका उपयोग ना करें, इसके लिए एक स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा बजट में की गई है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो निजी वाहन है उसके मामले में 20 वर्ष के बाद और जो वाणिज्यिक वाहन है उनके मामले में 15 वर्ष के बाद, इन दोनों प्रकार के वाहनों के लिए, मतलब निजी वाहनों के लिए और वाणिज्यिक वाहनों के लिए, इन दोनों के लिए ऑटोमोटेड फिटनेस सेंटर में फिटनेस जांच का भी प्रस्ताव रखा गया है। अगर निजी वाहन है, 20 वर्ष हो चुका है, तो फिर आप ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में जाइए, अपने वाहन की जांच कराइए। अगर वह वाहन प्रचलन के लायक नहीं है, मतलब उसका अगर उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसी बात कही जा रही है कि सरकार उस वाहन को बदलने के लिए या नए वाहन खरीदने के लिए जो वाहन का स्वामी है उसे वित्तीय मदद भी कर सकता है या वित्तीय सहायता भी सरकार कर सकती है। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने बजट 2021-22 के 6 स्तंभों में से एक स्वास्थ्य एवं खुशहाली के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी उस पर हमने एक नजर डाली। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर दूसरे या जो अन्य स्तंभ हैं उन अन्य स्तंभों के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।